सड़क पर भीड़ और भगदड़ की जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर मुरैना की है। मुरैना में उस समय अजीब से हालात पैदा हो गए जब बागचीनी थाना क्षेत्र के लोंगट गांव में सट्टे के कारोबारी के खिलाफ बुलडोजर से मकान तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ आक्रोशित कुशवाहा समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन और भाजपाई नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और कलेक्ट्रेट के सामने आगरा मुंबई हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे जाम होते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आक्रोशित लोगों ने करीब एक घंटे तक हाईवे को पूरी तरह जाम रखा। काफी देर तक पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद जाम को खोला गया। वहीं कलेक्टर अंकित आस्थाना द्वारा आक्रोशित लोगों के प्रतिनिधि मंडल से बात कर पूरे मामले की 3 दिन में निष्पक्ष जांच की बात कही है और हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। लोगट में एक कार्रवाई 2 दिन पहले की गई थी जिसमें तथाकथित जो वहाँ पे सटोरिए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायत द्वारा की गई थी। उसके विरोध में लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। तो उन लोगों का ये भी बताना था कि गांव में थोड़ा भय का माहौल है। हम लोगों ने उनको यही आश्वासन दिया है कि जो भी इनोसेंट व्यक्ति है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अगर कुछ गलत चीज़ की है तो उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के पास उनकी रिकॉर्डिंग है, आज जो इन लोगों का सम्मेलन यहाँ पे हुआ था उसके लिए वैधानिक उचित कार्रवाई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोमवार और मंगलवार की रात सटोरियों को पकड़ने गई बागचीनी थाने के पुलिस पर लोंगट गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ पुलिस के ऊपर पथराव किया बल्कि एक सटोरिये सुखलाल कुशवाहा को छुड़ा लिया। ग्रामीणों के हमले में थाना प्रभारी के साथ 4 आरक्षक भी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना एसपी आशुतोष बाकरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य आरोपी के साथ सभी फरार आरोपियों के सिर पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबिश देकर मुख्य आरोपी सुखलाल कुशवाहा को भी दबोच लिया। पुलिस को वह बाजरे के पूंज में छिपा हुआ मिला। उधर दोपहर बाद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी गांव में बुलडोजर लेकर पहुंच गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखलाल कुशवाहा के घर पर बुलडोजर चलाते हुए कुछ ही मिनटों में जमींदोज कर दिया। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। इसी घटना की वजह से गुस्साए कुशवाहा समाज के लोगों ने हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने बर्बरता की है और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है। कुशवाहा समाज के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा मामला मैंने आपको कल भी बताया था। प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है। लोंगट गांव में आप देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए का मकान तोड़ा है। 2 नाबालिग बच्चियों पर 307 लूट 12 कायमी हुई है। करीबन 33 लोगों के खिलाफ पूरे गांव के खिलाफ प्रशासन ने कायमी की है, एक तरीके से अत्याचार किया। उसके खिलाफ हम आज सभी लोग मिलजुल कर, सर्व समाज के लोग मिलजुल कर माननीय कलेक्टर साहब को 3 दिन कलेक्टर साहब ने मांगे हैं 3 दिन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर दोषियों के खिलाफ 3 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम यहाँ मुरैना जिले में उग्र आंदोलन की तैयारी करें। पुलिस द्वारा किस तरह की घटनाक्रम किया गया? पुलिस द्वारा रात को सिविल ड्रेस में गए, छत के द्वारा सीढ़ियाँ लगा के छत के द्वारा मकान में घुसे, उसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ मारपीट की है, महिलाओं के साथ मारपीट करी है, पीछे एक घर में बच्चे सो रहे थे उनके साथ मारपीट की है और करीबन 20 लाख रुपए का मकान में नुकसान करके। इसका कहना ये है कि जब मकान टूटा था जब थाना प्रभारी साहब वहाँ पर पट्टी लगा के आए थे सर में, और जब मैं कल TI साहब के से मिलने गया बागचीनी थाने में, आप वहाँ की CCTV फुटेज निकाल दो, तो ना TI साहब को कोई पट्टी लगी ना किसी भी पुलिसकर्मी को कोई पट्टी लगी है। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि आप इनका प्री मेडिकल कराएं। अगर चोट है तो 12 घंटे के अंदर सर की चोट सही नहीं हो सकती, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो 12 घंटे के अंदर पट्टी को खोल दे। तो सुना आपने, कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि संजय सिंह का कहना है कि प्रशासन ने लोंगट गांव में बर्बरता की है। उसी बर्बरता के खिलाफ कुशवाहा समाज ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाती है। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, NMF न्यूज़।